हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद माय न्यू रेसिपी जिसका नाम है शाही टुकड़े। यस, नवाबी टुकड़े बनाएंगे, तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। मिल्क लेंगे 3 ग्लास, 750 ml मिल्क है टोटल। शुगर लेंगे 2 कप, नट्स लेंगे 1/2 कप, इलायची पाउडर है 1/2 टीस्पून, क्रीम लेंगे 1 कप, ब्रेड स्लाइसेस है 10 to 15, आइसक्रीम एसेंस है 2 to 3 ड्रॉप्स। तो आइए प्रोसेस देखते हैं शाही टुकड़ों के। रबड़ी के लिए मिल्क बॉईल करेंगे। 2 ग्लास मिल्क मैं बॉईल कर रही हूँ, 1 ग्लास मिल्क मैं साइड में रखी हूँ शुगर सिरप के लिए। जब तक मिल्क बॉईल हो रहा है तब तक हम ब्रेड स्लाइसेस फ्राई कर लेंगे। ये घी है, आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। एक साथ ज़्यादा स्लाइसेस नहीं डालना है और टर्न कर करके इसको फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे। मेक श्योर कि आपके ब्रेड स्लाइसेस क्रिस्पी हो, सॉगी नहीं होने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए जब तक फ्राई करना है। आपके ब्रेड स्लाइसेस अगर सॉगी होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो वो टूटने लगेंगे। शुगर सिरप बना रही हूँ, आप लोग पानी में भी बना सकते हो, मैं मिल्क में बना रही हूँ। मिल्क में 1/2 कप शुगर ऐड करके उसको डिसॉल्व कर दूँगी और ये शुगर सिरप रेडी है। तो आइए रबड़ी बनाते हैं। मिल्क हमारा बॉईल हो गया था, इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और डिसॉल्व होने तक वेट करूँगी। इलायची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है ये। मैंने साइड में ब्रेड के स्लाइसेस को छोटा छोटा चॉप करके रखी थी। इंस्टेंट रबड़ी के लिए ये काम आता है। अगर इंस्टेंट रबड़ी नहीं बना रहे हो, आप लोगों के पास टाइम है, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये थिक क्रीम है, मैं ये ऐड कर रही हूँ 1 कप। मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, उसके लंप नहीं होने चाहिए। नट्स डाली हूँ, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आइसक्रीम एसेंस है ये, ऑप्शनल है, रबड़ी एसेंस भी डाल सकते हो, वो भी ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास दोनों भी नहीं है तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो। ये हमारी रबड़ी बनके रेडी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ब्रेड स्लाइसेस को शुगर सिरप में सोक कर रही हूँ। ज़्यादा देर सोक करके रखना नहीं है, अदरवाइज ब्रेड स्लाइसेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। ये काम जल्दी जल्दी करना है। और एक के ऊपर एक नहीं रखना है। जितना आपका बर्तन खुला हुआ रहेगा उतना आपके शाही टुकड़े अच्छे बनेंगे। रबड़ी के लेयर लगा रही हूँ। स्लाइसेस रबड़ी सोक करना बहुत ज़रूरी है, रबड़ी को सोक करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ये हमारे शाही टुकड़े बनके रेडी है। 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी, उसके बाद प्लेटिंग कर रही हूँ। रबड़ी और नट से गार्निश करूँगी। आप अपनी चॉइस के नट्स ले सकते हो। मैंने काजू, बादाम और पिस्ते ली थी।
सो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।